फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी कुटा बीच पे। आज पूरे दिन की लगी है, बारिश हो रही है रात से। तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे समुंदर है और उसका बड़ा मज़ा लिया जा रहा है। बट ये बीचेस साफ नहीं है जैसे थाईलैंड में है। लेकिन अगर आप थाईलैंड जैसी नाइट लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे तो वो नहीं मिलेगी आपको। मैं हूँ अभी कुटा बीच पे। आज पूरे दिन की लगी है, बारिश हो रही है रात से और लगता नहीं आज कुछ हो पाएगा। वो भी गवर्नर ऑफ इंडिया का प्लान था, हाईलैंड्स का, दोनों में कैंसिल हो गया। चलो देखते हैं, होप फॉर गुड। तब तक आप मज़ा लीजिए समुंदर का। Hours later. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करण, आपका दोस्त। इस वक्त हूं कुटा बीच पे और सुबह से बारिश हो रही थी, अभी बारिश थोड़ी कम हुई है तो कुछ देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे समुंदर है और उसका बड़ा मज़ा लिया जा रहा है। बट ये बीचेस साफ नहीं है जैसे थाईलैंड में है। देखिए कितना गंद है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है चारों तरफ। हाँ, ये सर्फिंग के लिए अच्छे, सर्फिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। इफ़ यू नो सर्फिंग, अगर आप सर्फिंग करना चाहते हैं तो ये बेस्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए। अभी मैं थोड़ी दूर निकला ही था तो बारिश फिर से शुरू होगी और मुझे होटल की तरफ वापस जाना पड़ा। Two hours later. इस वक्त हैं हम कुटा बीच रोड पे, मज़ा लीजिए। नाउ वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल। नाउ इस वक्त ना कोई ठंड है ना गर्मी है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है। ये बीच है। हाँ तो मैं बात कर रहा था, मैंने एक चीज़ और देखी यहाँ पे कि जैसे थाईलैंड के अंदर बीच को कवर किया गया है लाइट्स के साथ, फ्लड लाइट्स के साथ, यहाँ पे बीच लाइफ है ही नहीं है रात को। वो लोग तो उसके नीचे अपना मैट लगा के इस वक्त चार पांच जने होके बियर शुरू कर देते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप थाईलैंड जैसी नाइट लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे तो वो नहीं मिलेगी आपको। गिन चुन के तीन चार बार हैं जो सारी रात खुलते हैं चार बजे तक। अगर आप थाईलैंड से होके यहाँ आ रहे हो तो आपको लगेगा कि आप अब समझ आइए कि अगर नाइट पार्टी इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं, नाइट लाइफ में नहीं है। ये सामने देखिए ये सारी बीच है, एक भी लाइट नहीं है बीच के ऊपर। देखिए जैम। हाँ एक चीज वैसे सेम लगी, बहुत जरूरत पड़ने पे हॉर्न लेते हैं। वन वे रोड्स हैं, अगर किसी को ड्रॉप पिकअप करना है टैक्सी को तो पीछे सारा लाइंस जैम लग जाता है, सारा वन वे ट्रैफिक है, सारा दिन जाम लगा रहता है यहाँ पे, सारा दिन जाम रहता है। मुझे मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मिले या कुछ इंडियंस मिले हमारे, वो मैक्सिमम हनीमून पे हैं। इट्स लाइक अ फैमिलीज, मैंने देखा ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी फैमिली के साथ हैं यहाँ पे। मैक्सिमम लोग वही आते हैं क्योंकि वो बहुत नज़दीक है ऑस्ट्रेलिया से। ये तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टारबक्स मिल जाएगा, ये मैकडोनल्ड मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ये बिल्कुल बीच के सामने है, कुट्टा बीच के सामने। और मैंने ट्राई किया था जो कि इंडियन रेट से भी सस्ता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। पपीज वन है एडजॉइनिंग टू बीच रोड। इस रोड पे आपको KFC इंडियन फूड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ना कई तरह के मिनी मार्ट, अल्फा एक्सप्रेस, के सर्कल करके नाम से कई सुपरमार्ट मिलेंगे जो 24 घंटे खुले रहते हैं। तो आपको अगर कुछ भी ज़रूरत है तो 24 घंटे में कभी भी आ सकते हैं। इस स्ट्रीट से शुरू होती है यहाँ की चहल पहल, यू मीन टू से नाइट लाइफ। गाइस फिर मैं पहुँचा इस पपीज टू में, जहाँ पर देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि गिन चुन कर 4 बार हैं, तो आपको वो बार सभी इसी रोड पर मिलेंगे। कोविड के कारण सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ पर भी रश बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था समझ लीजिए। और आप देखेंगे आगे बार्स में बार बिल्कुल खाली पड़े थे, तो मैंने वहाँ पर जाना ठीक नहीं समझा। ये पैडीज पब है यहाँ का पहला बार। इसी के साथ बाउंटीज डिस्कोथेक है और साथ में एक दो बार और है। ये स्काई गार्डन क्लब तो आई थिंक कोविड के कारण बंद ही हो चुका है। गाइज मेरे आगे जाने में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ से वापस ही जाऊँगा अभी। और रात को एक फिंस क्लब पहुँचना है मेरे को, जहाँ पर रात को एक पार्टी है, तो देखते हैं वो पार्टी कैसी रहती है। अभी मैं वापस आ गया हूँ कुट्टा बीच रोड पर, यहाँ से मैं लूँगा बाइक टैक्सी फिंस क्लब के लिए। ये मॉल है बीच वॉक, आप यहाँ शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। ये सब बीच के सामने है कुट्टा बीच रोड पे। ये सारा मॉल का ही पार्ट है, आप इसका मजा ले सकते हैं। ऐसी राइड के लिए आप balibeercycle.com पर जाकर इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। ये आपको पूरा कुट्टा बीच की रोड का राउंड लगवाता है। गिव यू 30, इट्स ओके। ओके स्पेशल यू आर बाइक टैक्सी लेकर मैं पहुंच गया हूं फिंस क्लब में, यहां पर एंट्री बिल्कुल फ्री है।
फ्री एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर ऐसे मजे ले सकते हैं। गाइज नेक्स्ट डे ही मैं फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल गया, क्योंकि इंडिया में कंडीशंस काफ़ी पैंडेमिक हो रहे थे। तो मुझे घर वालों का कॉल आया था कि जल्द से जल्द मैं इंडिया वापस आ जाऊं। तो मैंने अपनी टिकट्स को रीशेड्यूल करवाया और 7 दिन का ट्रिप 3 दिन में ख़त्म करके इंडिया की तरफ निकल गया। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि मेरे आते ही 4 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। अगर मैं बाली में रहता तो शायद वहाँ पर कम से कम 3-4 महीने के लिए फंसा रह जाता। गाइज मैं इस ट्रिप को आधा अधूरा छोड़ के जा रहा था, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर और घूमना चाहता था, आपको घुमाना चाहता था, आपको लिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था जो मैं आपको दिखा पाता, लेकिन कंडीशंस ऐसी थी, पेंडेमिक था, तो मुझे वापस इंडिया आना पड़ा इस ट्रिप को छोड़कर। तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जल्द ही सब कुछ कंडीशंस ओके होने के बाद मैं फिर से बाली जाऊंगा और आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे रह सकते हैं सस्ते में और कैसे यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं सस्ते में। तो मेरे साथ बने रहिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस का टाइमली अपडेट मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो जाते जाते एक टाइम लैप्स जो कि मैंने शूट किया था बाली एयरपोर्ट पर, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 3 घंटे की देरी पर थी, तो आप इसका एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए देश में और एक नई वीडियो के साथ।